मैं खा रही हूँ खाना। लगा दी इनका खाना, इनकी प्लेट, ये चावल, ये सब्जी, ये थोड़ा खीरा, ये वैसे काटते हैं, इनको ऐसे ही पसंद है छिलके सहित, ये रोटियाँ। तो मैंने इनकी प्लेट लगा दी और ठाकुर जी का भोग लगा के आ गए। ये मेरे नन्हे मुन्ने का भेज दिया मैंने, तो उनको भोग लगा के आ गए। और अब सब्जी बन के तैयार, अब ये लोग खाएंगे रोटी। ये डुग्गा कहाँ है? कहाँ है डुग्गा? ये डुग्गा हाउस में घुस गया, देखो अपने आप घुस जाता है। ये गया डुग्गा, गया डुग्गा, गया 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 गया। ओ डुग्गा अपने आप घुस जाता है अपने हाउस में। ये इसका हाउस रख रखा है अपने बगल में, यही घुस जाता है। पहले दिन तो डरा था, अब घुस जाता है अपने आप। इधर इसका हर खिलौने खेलता रहता है, इधर ये सारे डाल देता है नीचे। डिग्गू रो रहा था, मैं क्या करूं? रखो सोना, क्या कर रही है? तो ये रोटी बना दी लड्डू गोपाल के लिए, पराठे सेक रही हूँ छोटे छोटे। ये देखो ये दो पराठे, क्योंकि सिंगल रोटी से भोग नहीं लगता लड्डू को ठाकुर जी का, तो उनके लिए सेक रही हूँ पहले सबसे पहले पराठा। इधर मैंने आटा लगा लिया, उधर चावल बना लिए। तो सबसे पहले उनको भोग लगाएंगे, हम सुबह शाम उनके लिए जो भी खाते हैं वो ही बनाते हैं। तो ये बन गई उनकी रोटी। तो नमस्ते जी, और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज मैं बना रही हूँ अभी सब्जी। तो इधर मैंने पनीर काट के रख लिया है, इधर शिमला मिर्च पनीर की सब्जी बना रही हूँ, तो ये मैंने अलग अलग काट के रख लिया, और टमाटर पीस के रख लिया। मैं ये बनाऊँगी मैं ग्रेवी वाली सब्जी। और थोड़ा सपोर्ट करो, चैनल पे आया करो, अच्छा लगेगा। थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रही हूँ डालने की, ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन जितना भी मिल रहा समय मैं निकालने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और अच्छे अच्छे ब्लॉग लाऊँगी, अब गांव वगैरह जाऊँगी और यहाँ भी कोशिश करूँगी पूरी अच्छे अच्छे ब्लॉग लाने की। तो आप मेरा पूरा सपोर्ट करो। और डिग्गू किसके दादी खिला रहे हैं, और मैं सब्जी बना रही हूँ। सोना को वो हंगर अप करवा रही है ऊपर, तो चलिए मैं सब्जी बना लेती हूँ। मैंने इसमें डाल दिया पनीर, तो इसके साथ पनीर को भी फ्राई कर लूँगी। तो ये दोनों को थोड़ा सा क्रची क्रची लगे, ताकि ऐसे थोड़ा सा, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं फ्राई करा इसको, शिमला मिर्च को। तो ये तीनों चीज़ को मैंने फ्राई कर लिया। अब मैं बनाऊँगी मसाला, तो बस मेरी सब्ज़ी हो जाएगी रेडी अभी। तो मैं कर रही हूँ उसको फ्राई। तो मैंने डाल दिया प्याज और शिमला मिर्च, तो अच्छा कलर आ रहा है, देखिए अच्छा लग रहा है। तो इसको मैं ज़्यादा पकाऊंगी नहीं, थोड़ा कम पकाऊंगी, ताकि एकदम मतलब करारे करारे लगे सब्ज़ी में। पनीर काट के रख लिया, तो ये भी डाल दूँगी। तो बस अभी थोड़ी देर में ये हो जाएगी सब्ज़ी तैयार, फिर बनाऊंगी रोटी। तो ये बन गई मेरी सब्जी ग्रेवी वाली, शिमला मिर्च पनीर। तो ये ग्रेवी वाली है, ताकि रोटी से थोड़ा सा सूखी से खाई नहीं जाती शाम के टाइम, तो इसमें थोड़ी ग्रेवी रखती है। इसमें मैंने शिमला मिर्च की में टमाटर पीस के डाले, मसाला फिर फ्राई कर लिया था। मसाला मैंने इसलिए नहीं देखा क्योंकि डुग्गू आ गया था मेरी गोद में, तो इसलिए ये सब्ज़ी मेरी हो गई तैयार। इधर रख दिए चावल थोड़े से, और सोना जिग गया है, अब वो कर रही है होमवर्क। अब मैं सब थोड़ी सी रोटी बनाऊँगी थोड़ी, दो चार, क्योंकि ये लोग तो चावल ही खाते हैं। तो मेरी सब्जी हो गई तैयार, ये देखो कलर अच्छा आया है। किस किस को पसंद है शिमला मिर्च पनीर की सब्जी? अभी मटर आ नहीं रही है, वैसी आ रही है, तो इसलिए यही वाली अच्छी लगती है। कलर दिखाई नहीं दे रहा भैया, अरे क्यों तू भगवान दियो कर, भगवान दियो कर। हां हां आलू की बच्ची भी ना स्पॉइलर है पूरी। इधर डाल आलू, इधर डाल दे,
अब इसकी पिटाई होगी, अभी ये पिटेगा। आलू को सिखाओ यार कैसे डालने, पकड़े ठीक है आप डाल दो भैया, आलू करने दो इसको डालने दो। जे 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 करो, जे जे पे डाल दो, जे जे डाल दो, ऐसे डाल दो, डालो और डालो बहुत सारा डाल दो, आलू इधर डालो, जे पे जे 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 भगवान पे डाल दो, भगवान पे